हेलो घोस्टली आर्मी, कैसे हो आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैरियन फ्रेंच हॉरर वेब सीरीज को, जो कि सैमुअल बॉर्डिन के द्वारा डायरेक्ट की गई है। इस सीरीज को 13th of September यानी कि लास्ट फ्राइडे को रिलीज किया गया है। दोस्तों मैं इस सीरीज को एक ही वीडियो में समाप्त कर दूंगा, क्योंकि कई सारे पार्ट लाने से व्यूअर्स का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो अगर आप इस सीरीज को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप सीधा जाकर इस सीरीज को ही देख सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, इस वीडियो में आपको मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स समझ आ जाएंगी और कुछ चीजें तो कॉम्प्लेक्स है और वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। इस सीरीज में कुछ फ्रेंच नेम्स हैं तो मेरी प्रोनंसिएशन हो सकता है कि उतनी अच्छी ना हो, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। खैर, इस सीरीज में एमा एक फेमस राइटर होती है जो कि काफी पैसे कमा लेती है, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो कि उसके लिए एक श्राप जैसा था। पैसे कमाने से याद आया कि अब आप मीशो रीसेलिंग एप्लीकेशन के जरिए घर बैठे प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से यह ऐप डाउनलोड करना है और स्क्रीन पर दिख रहे मेरे रेफरल कोड की मदद से आपको 30% पहले ऑर्डर पर ऑफ मिल जाएगा। उसके बाद बस आपको कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करके अपने फ्रेंड्स फैमिली को व्हाट्सएप पर शेयर करना है और ऑर्डर प्लेस होते ही मीशो आपके फैमिली फ्रेंड्स तक ही ऑर्डर पहुंचा देगा और जो भी प्रॉफिट और कमीशन होगा आप कमा पाएंगे। बाकी जानकारी के लिए आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो के जरिए आप इसका फुल डिटेल्ड प्रोसीजर जान सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो इस फ्रेंच हॉरर वेब सीरीज के अंदर दोस्तों 8 एपिसोड्स हैं। इन एपिसोड्स के नाम्स हैं योर ड्रीम्स, ट्रेडिशन, नॉट एन इजी पर्सन, ब्यूटीफुल मोमेंट, यू लेफ्ट हर, मेमोरीज, टू यंग टू हैंडल इट और लास्ट एपिसोड ट्यूसडे। हर एक एपिसोड में हमको एमा के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की चीजों के बारे में बताया गया है। तो अब हम प्रेजेंट से शुरुआत करते हैं। सीरीज शुरू होती है एक फेमस हॉरर बुक राइटर एमा को दिखाते हुए, जो कि मैरियान नाम के कैरेक्टर या फिर एक विच के बारे में किताबें लिखा करती है। यह काम वो काफी सालों से कर रही है, लेकिन अब एमा मैरियान के बारे में लिखना रोक देती है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि हॉरर की जगह उसको कुछ अच्छे टॉपिक्स एक्सप्लोर करने चाहिए। एमा की किताबों का कॉन्सेप्ट सीधा सा था कि एक लेजी नामक लड़की को मैरियान डेमोनिक विच उसके सपने में और रियलिटी में आकर परेशान करती है। यह किताबें काफी ज्यादा फेमस हुई और बहुत ही बड़ा बिजनेस किया, जिसके कारण एमा के पास काफी ज्यादा पैसा भी होता है। एमा अपने पास्ट को लेकर परेशान रहा करती थी और वो हमेशा ड्रंक रहती ताकि पास्ट को वो आसानी से दबा सके। एमा के ड्रंक होने के कारण ही उसकी पर्सनल असिस्टेंट कैमली उसको संभाला करती थी। अब यहाँ पर एमा को खुद भी मैरियान के सपने आया करते थे, जिससे वो अक्सर रात को डर जाया करती। अब इतना फेमस होने के कारण से फैन से मिलना और उनके लिए बुक्स को साइन करना ऑथर्स के लिए बहुत ही ज्यादा नॉर्मल होता है। पर इसी दौरान एमा की चाइल्डहुड फ्रेंड कैरोल वहां पर आती है और कहती है कि उसकी माँ को मैरियान ने अपने कब्जे में किया हुआ है, जिसके कारण उसकी और एमा से प्यार करने वालों की जान खतरे में है और अगर एमा ने बुक्स लिखना रोक दिया तो वो सबको मार देगी। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि कैरोल की माँ ही एमा को सपने में डरा रही थी क्योंकि उसके अंदर मैरियान थी। खैर, अब कैरोल अपनी बात को सही साबित करने के लिए सुइसाइड कर लेती है, ये कहकर घर वापस जाकर एक लॉकेट उसकी माँ को देना होगा। एमा अपने पेरेंट्स को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी कॉल्स नहीं उठाता क्योंकि वो पिछले 2 साल से घर गई ही नहीं थी, जिसका कारण उसका पास्ट था। अब कैमली और एमा सीधा टाउन एल्डन की तरफ निकल जाते हैं, जहां पर जाकर उनको अपने पेरेंट्स सही हालत में मिलते हैं। ये सब साथ में डिनर करते हैं और जब एमा कैमली कैरोल की माँ से मिलने जाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि हाँ, वो वाकई में मैरियन के द्वारा पोजेस हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं कैरोल की माँ का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस की तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि इनकी एक्टिंग देखते ही लगता है कि हाँ, वो वाकई में किसी विच के काबू में है। मुझे एक्चुअल विच से ज्यादा इनसे डर लगा। खैर, कैरोल की माँ के अंदर की विच मैरियान का कहना था कि एमा को लिखते रहना होगा और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसके पेरेंट्स को मार देगी। इवेंचुअली एमा के पेरेंट्स गायब हो जाते हैं और फिर एमा की मुलाकात उसके चाइल्डहुड फ्रेंड से होती है, जैसे कि सेबी, ओरा, ऑर्नो, उसका छोटा भाई टोनियो। इन सभी को एमा से काफी ज्यादा प्यार था, स्पेशली टोनियो और सेबी को। पर अब सेबी शादीशुदा था और उसका एक स्टेप सन ह्यूगो था और उसका दूसरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला था। खैर, एमा अब कुछ भी नहीं लिखती और उसके माँ बाप गायब हो जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली मैरियान का काम था। विचक्राफ्ट करके वो सबको अपने काबू में किया करती थी।
यहाँ पर एक चमड़ी से बनी हुई जादू की पोटली दिखाई जाती है, जिसका सिग्निफिकेंस ये है कि जहाँ पर भी ये होंगे तो ये एक वाईफाई की तरह काम करते हैं, ताकि एंचेंटमेंट्स के जरिए सबको आसानी से काबू किया जा सके। एमा फिर से बुक का पेज लिखती है और जो वो लिखती है वो सच होने लगता है। एमा की माँ खुद पर खुद अब घर वापस आ जाती है, पर वो अभी भी मैरियान के काबू में थी, जो कि एमा को बुरा भला बोलने लगती है। लेकिन एमा के पिता अभी भी मिसिंग थे, क्योंकि मैरियान चाहती थी कि एमा बुक्स लिखती रहे। यहाँ पर काफी मेजर रोल इंस्पेक्टर रोनन का है, जो कि एमा की पूरी हेल्प कर रहा था, क्योंकि उसका एक दोस्त होता है जो कि विचक्राफ्ट का जानकार था और उसी के जरिए वो मैरियान के बारे में पता लगाने लगता है। यहाँ पर खास बात ये थी कि मैरियान आपके माइंड से मैसअप करती है, वो आपको इतना मैनिपुलेट करती है कि दिन में भी आपको अलग ही दुनिया का नजारा वो दिखवा सकती है, जिससे आप मैस्ड अप हो सकते हो। सीरीज के एंड तक मैरियान यही करती हुई दिखाई जाती है। अब जैसे जैसे एमा एल्डन टाउन में रहती है, तो हम सभी को प्रॉपर पास्ट दिखाया जाता है कि आखिर हुआ क्या था। तो मैरियान 1587 में ट्यूसडे के दिन पैदा हुई थी, और जब वो 7 साल की हुई तो उसका घर जलकर राख हो गया, जहाँ से बाहर बस मैरियान और उसकी बिल्ली मैथ्योरिन आए थे। अब मैरियान को सेक्रेट कोर्ट की सिस्टर्स ने पाल पोसकर बड़ा किया, लेकिन जहाँ पर वो रहा करती थी वो जगह 2 साल के अंदर अंदर राख बन गई, और बस उस जगह पर पूरा का पूरा सूखा पड़ गया। सब मारे गए, पर यहाँ पर भी सिर्फ मैरियान और उसकी बिल्ली बच गई। 16 साल की उम्र में मैरियान ने एक बेल रिंगर पॉल मैरोट से शादी की और उनको एक हेल्दी बच्चा भी हुआ। पर 3 महीने का जब वो बच्चा हुआ तो मैरियान ने उस बच्चे को आग के काफी नजदीक रख दिया, जिससे कि वो जलकर मर गया। फिर पॉल ने बच्चों की और डिमांड की, तो 2 और बच्चे मैरियान ने उसको दिए, और वहाँ पर बड़े होते होते उन बच्चों को वो एक रात मैरियान घने जंगल में ले गई, और वापस आते टाइम बस वो खुद ही वापस आई थी। अब वापस आकर उसने जो किया वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। उसने अपने पति का गला काट दिया और डेविल के सामने बेलत नाम के डीमन से शादी की, जिसको किंग्स ऑफ कैट भी बोलते हैं। यह हेल के अंदर 86 लीजन आर्मीज का किंग है। पर इस शहर के लोगों ने और प्रीस्ट ने मिलकर मैरियान को पकड़ लिया, क्योंकि वहां पर बहुत से बच्चे और इंसान मारे जा रहे थे। मैरियान को क्रॉस का कपड़ा लगाकर लटका दिया गया था, पर मैरियान का कहना था कि वो कभी भी हार नहीं मानती और आने वाले समय में वो लौटेगी और इन सभी के बच्चे और उनके बच्चों को सताएगी। मैरियान खाली हाथ नहीं जाती और कुछ न कुछ जरूर लेकर जाती है। मैरियान को जमीन के 5 फीट अंदर दबा दिया गया, और जो शादी इसने डीमन बैलत से की थी उसका एग्रीमेंट इसके साथ दफनाया गया, ताकि इसको जलाया जा सके। लेकिन प्रीस्ट इसको पूरी तरह जलाने में नाकाम हुए, तो बस इसको ऐसे ही दफना दिया गया था। तो यहाँ पर मैरियान को पूरी तरह से खत्म ही नहीं किया गया था। मैरियान की कब्र बिल्कुल एमा के घर के सामने ही थी, और जब एमा छोटी थी तो इस जगह पर एक छोटा सा होल था, जो कि कब्र की एंट्रेंस थी, जहाँ पर मैरियान ने एमा के कान में कुछ एंचेंटमेंट्स की, जिसके चलते मैरियान उसके सपनों में आकर उसको डराती रहेगी और एमा ही इसको जिंदा करेगी। जिस दिन मैरियान को दफनाया गया था उस दिन भी ट्यूसडे था, तो सीरीज के अंदर एक पोयम गाई गई है। बॉर्न ऑन अ ट्यूसडे, हैप्पी ऑन अ वेडनेसडे, मैरिड ऑन अ थर्सडे, विच ऑन अ फ्राइडे, कॉट ऑन अ सैटरडे, जज्ड ऑन अ संडे, एग्जीक्यूटेड ऑन अ मंडे एंड बरीड ऑन अ ट्यूसडे। और यह सीरीज भी 8 दिनों को ही दर्शाती है। सीरीज के एपिसोड्स भी 8 हैं, जो कि काफी वेल रिटन है मेरे हिसाब से। खैर, अब एमा को बचपन से ही सपने आया करते थे मैरियान के बारे में। एमा की टीनेज की बात करें तो यह सपने दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे थे। अब यह सब बात एमा अपने दोस्तों को बताती है, और ये सब लोग वीजी बोर्ड की मदद से मैरियान की स्पिरिट को बुलाने की कोशिश करते हैं, जिसमें ये सब कामयाब होते हैं। और मैरियान एमा के शरीर में आकर इन सभी को कर्ज देकर जाती है, जिससे और बहुत ज्यादा डर जाती है और एमा से बात करना बंद कर देती है। कर्ज में मैरियान ने ये कहा था कि इन सभी के लव्ड वंस के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। अब एमा और की छोटी बहन ल्यूसी के जरिए उससे बात करने की कोशिश करती है और उसके स्कूल में जाती है, पर अनफॉर्चुनेटली ल्यूसी को यह विच मार देती है और इस चीज को एमा देखती है, जिसके बारे में वो किसी को भी नहीं बताती कि ऐसा होते वक्त वो स्कूल में ही थी। ल्यूसी का फेवरेट मंकी टॉय भी वो फेंक देती है। अब इन बातों को जाकर एमा फादर जेवियर को बताती है, तो फादर जेवियर का कहना था कि इस ईविल ने खुद को उससे अटैच कर लिया है और अब उसको इस टाउन को छोड़कर जाना होगा, ताकि ये विच भी यहाँ से बाहर चली जाए। एमा जानबूझकर बुरे बुरे काम करती है और एमा के पेरेंट्स उसको दूर भेज देते हैं, जहाँ पर वो फेमस राइटर बनती है, और इसी पास्ट के कारण से वो परेशान और ड्रंक रहा करती थी। ल्यूसी की मौत और ये सब उसको अंदर से खा रहे थे। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात ये थी कि यह
है विच एमा को पिछले 15 सालों से सपनों में आकर डराया करती थी। एमा का किताब लिखना और लिजी नाम का कैरेक्टर होना उसकी खुद की लाइफ को बयां करता है। तो ये सब एमा की इमेजिनेशन नहीं थी बल्कि उसके खुद के नाइटमेयर थे जो कि उसने किताबों के रूप में लिखे थे। नाउ कमिंग बैक टू प्रेजेंट, एमा कैरल की माँ के अंदर की मैरियान को जाकर बांध देती है और उसको खत्म करने की कोशिश करती है, क्योंकि ऐसा उसके दोस्तों ने कहा था, पर इंस्पेक्टर इस चीज के साफ खिलाफ होता है। खैर, वो एमा को वार्निंग देती है कि अगर उसने किताब नहीं लिखी तो उसके पेरेंट्स मारे जाएंगे। अब जैसे ही वो घर पहुंचती है तो उसकी माँ वहाँ पर मरी हुई मिलती है। एमा कैरोल की माँ को मारने की कोशिश करती है पर कैरोल की माँ नहीं मरती क्योंकि कैमेली उसको आकर बचा लेती है। पर कैरोल की माँ के अंदर की मैरियान बॉडी से बाहर निकल जाती है पर कैमेली को भी यह विच नुकसान पहुंचा कर जाती है। मीनवाइल अब इंस्पेक्टर को एमा के पिता मिल जाते हैं और कैमेली के साथ उनको भी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। सीरीज के अंदर हम देख पाते हैं कि जब भी मैरियान किसी ह्यूमन बॉडी को पजेस करती है तो उस बॉडी से बाहर निकलते टाइम वो कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाती है। जैसे कैरोल की माँ की आंखें खराब हो गई थी। कैरोल की माँ अब एमा को कहती है कि जो वो कह रही है उसको करते रहना होगा, नहीं तो वो सबको मार देगी। एमा इस बात से इतनी ज्यादा परेशान थी कि वो सेबी के घर जाकर उससे अफेयर तक करने की सोचती है, लेकिन सेबी अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है जिसके कारण से वो ऐसा नहीं कर सकता था। खैर, अब इंस्पेक्टर ने इस पूरी चीज को अच्छे से स्टडी किया था। इंस्पेक्टर का कहना था कि जो जो एमा ने बुक्स में लिखा है वो चीज वर्ल्ड के किसी न किसी कंट्री में जरूर घटी है, जैसे कि एक भालू का पूरे के पूरे बेसबॉल टीम को मार देना, और जो सर्वाइवर थे उनका ये कहना था कि उन्होंने भालू को बोलते हुए सुना है, जिसका मतलब सीधा ये था कि ये सब किताबें मैरियान ही एमा से लिखवा रही थी जिससे ये सब रियल में हुआ करता था। आई नो इट साउंड्स क्रेजी, लेकिन जो जो एमा लिखा करती थी वो सब सच हुआ करता था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैरियान के बारे में जो कोई पढ़ता है तो वो उसके बारे में ही ड्रीम करता है, और मैरियान के बारे में जितना ज्यादा कोई ड्रीम देखेगा ये उतनी ज्यादा ताकतवर बनती है। बाकी जो लोग स्टोरीज लिखने के कारण से मरे थे उनसे तो शक्ति इसको मिलती ही है। बेसिकली मैरियान सबको डराती है और उनके डर से खुद को ताकतवर बनवाती है। मैरियान ने एमा से खुद को अटैच कर लिया था। इंस्पेक्टर का प्लान था कि ये सब मिलकर मैरियान को उसके रियल नेम से बुलाएंगे तो उनको इसके पास आना ही होगा, क्योंकि विच अपने असली नाम को कभी भी झुठला नहीं सकती। मैरियान ने इसी बीच ऑर्नोड के भाई टोनियो को भी उठा लिया था और सेबी के न्यू बॉर्न बेबी को भी, ताकि वो एमा को ब्लैकमेल कर पाए। खैर, ये सब लोग फिर से लाइट हाउस वाले स्कूल में जाते हैं जहां पर यह बैठकर मैरियान को बुलाते हैं। अब हॉस्पिटल में मैरियान कैमेली के अंदर थी जिसको एमा के डैड देख लेते हैं, और मैरियान वहां पर काम करने वाली नर्स को मारने ही वाली थी कि तभी मैरियान को ये लोग समन करते हैं, जिसके कारण मैरियान को कैमेली की बॉडी को छोड़कर जाना पड़ता है। इनका प्लान ये था कि मैरियान की स्पिरिट को एक डॉग में कैद कर देंगे जो कि असल में फादर जेवियर का डॉग था। डॉग के अंदर स्पिरिट को कैद करने के बाद ये लोग उसको कहीं पर बंद कर देंगे ताकि वो हमेशा के लिए डॉग में ही कैद रह जाएगी। पर यहाँ पर मैरियान चालाक थी और वो इंस्पेक्टर की बॉडी में आ जाती है और वो एक एक करके सबको डराती है। यहाँ पर इंस्पेक्टर और नॉट भी मारे जाते हैं। अब लूसी के रूप में आकर इस विच ने ऑरोर को भी यह बता दिया था कि एमा लूसी की मौत वाले दिन वहीं पर थी, और बस एमा से ये सब लोग यही कहते हैं कि वो किताब लिखे। एमा अब लिखने के लिए रेडी थी और वो ऑरोर को एक लॉकेट देती है कि ये उसको सेफ रखेगा। इसी बीच सेबी का बच्चा घर वापस आ जाता है और वो एमा के घर पर बालकनी से आता है, जो कि उसने कभी भी नहीं किया था। वो एमा के साथ एक लास्ट नाइट गुजारने को तैयार हो जाता है जिससे ये दोनों इंटीमेट होते हैं। पर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देख पाते हैं कि उसके साथ कोई भी नहीं था। वो सोचती है कि शायद सेबी वहां से चला गया है, और बस एमा के घर की बेल बजती है और गेट ओपन करते ही हम देख पाते हैं कि फादर जेवियर एमा को मार रहे हैं। एमा के मुंह से खून आ रहा होता है। एमा सीधा अपने रूम में चली जाती है क्योंकि उससे एन्चेंटिंग सुनी नहीं जा रही थी। फादर जेवियर अब यहाँ आकर देखते हैं कि एमा ने एक और बुक का पेज लिखा है जो कि उसको नहीं करना था। फादर जेवियर का कहना था कि आज ट्यूसडे है और अब मैरियान ने फिर से जन्म ले लिया है एमा की बॉडी में। एमा इस बात को ठुकराती है, पर जब फादर जेवियर कहते हैं कि क्या तुम मैरियान हो, तो एमा एकदम से हाँ बोल देती है। अब एमा के अंदर की मैरियान फादर जेवियर को भी नुकसान पहुंचाती है उसके एक पैर में गोली मार के, और यह चीज पूरी सीरीज में दिखाई गई है कि जिस किसी के अंदर भी मैरियान होती है तो वो इस सवाल को ना नहीं बोल सकती कि वो मैरियान है या फिर नहीं। चलो, ये काफी कन्वीनियंट है कि विच को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती। नाम लो और हाजिर, सवाल करो तो हाँ भी बोल देती है। खैर, जोक्स अपार्ट, अब एमा को पता चल जाता है कि उसको अब मैरियान ने पजेस कर लिया है। एमा को मैरियान अब अपने डायमेंशन यानी कि हेल की तरफ गाइड करती है और अपनी कब्र की तरफ ले जाती है, जहाँ पर उसको मैरियान की बॉडी मिलती है जो कि बिल्कुल सही सलामत है, और वो इसको बैलत यानी कि अपने हस्बैंड और बाकी सभी के पास ले जा रही है। बट मीनवाइल रियल
रियल वर्ल्ड में हम ऑरोर को देख पाते हैं जो कि समझ गई थी कि हाँ एमा खतरे में है। वो एमा के घर जाती है और एमा के गले में एक लॉकेट डाल देती है जिससे हेल में या फिर दूसरे डायमेंशन में एमा मैरियान के साथ जाने से मना कर देती है। बेसिकली वो अपने सेंसेस में आ गई थी। अब यहाँ पर अब फ्रेंडशिप की ताकत कह लो या फिर गॉड का चमत्कार। अब एक तरफ तो एमा खुद को गोली मारने वाली है कि मैरियान भी खत्म हो जाए, पर मैरियान की स्पिरिट उसको ऐसा करने से रोक रही है। और दूसरी तरफ हम फादर जेवियर को मैरियान की कब्र में आग लगाते हुए देख पाते हैं ताकि एमा बच जाए। अब हेल में एमा के हाथ में उस लॉकेट की जगह एक बेसबॉल बैट आ जाता है जिससे मैरियान की स्पिरिट को मारती है और एमा को खुद को गोली मारने से रोकती है। और दूसरी तरफ फादर जेवियर कब्र में आग लगा देते हैं जिससे मैरियान की स्पिरिट खत्म हो जाती है। अब अंत में एमा का रिश्ता उसके पिता के साथ सही हो जाता है और उसको उसकी बेस्ट फ्रेंड भी वापस मिल जाती है। बट कैमिली के बोलने की शक्ति चली गई थी क्योंकि मैरियान जाते जाते कुछ ना कुछ ले जाती है, या फिर ये एक मेयर शॉक के कारण भी हो सकता है। कैमिली और एमा अब इस टाउन को छोड़कर जा रहे होते हैं कि वो सेबी से मिलने का सोचती है और सोफी ऑब्वियसली उसको देखकर खुश नहीं थी। एमा सेबी से लास्ट नाइट के बारे में कहती है लेकिन टू हर शॉक उसको कुछ भी याद नहीं था और सेबी का कहना था कि वो उसके घर कभी आया ही नहीं और गुस्से में अपने घर के अंदर चला जाता है। एमा बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और वो कैमिली से पूछती है कि क्या उसको भी मैरियान ब्लैक सी के एंड में लेकर गई थी, तो वो कुछ भी नहीं कहती। लेकिन फिर वो अचानक से ही बोलती है कि हाँ उसने हेल देखा है, पर एमा के फिर से पूछने पर वो फिर से चुप हो जाती है। एमा पूरे रास्ते वॉमिट करते हुए जाती है और कैमिली उसके लिए एक प्रेगनेंसी टेस्ट लेकर आती है, पर एमा का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पर इवेंचुअली वो चेक करती है और हम सभी को एक शॉकिंग चीज दिखाई देती है कि एमा इज प्रेग्नेंट। और बस ऐसे ही क्लिफ हैंगर पर हमें छोड़ दिया जाता है और बूम, मैरियान सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब दोस्तों बात करें एमा की प्रेगनेंसी की, तो यहाँ पर देखो मेरे पास दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी ये कहती है कि एमा के अंदर मैरियान ने फिर से जन्म लिया था और मैरियान खाली हाथ नहीं जाती, तो हो सकता है कि सेबी के रूप में मैरियान का हस्बैंड बेलर डीमन आया था और इन्होंने एक साथ रात गुजारी और एमा के अंदर बेलर डीमन का बेबी है जो कि मैरियान का ही रूप होगा। सेकंड थ्योरी ये कहती है कि मैरियान ने सेबी को पोजेस किया था और उसने एमा के साथ नाइट स्पेंड की जिसके कारण अब एमा प्रेग्नेंट है और ईविल उसके अंदर है। मैरियान ने मरने से पहले ये भी कहा था कि वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाएगी। अब जिनको नहीं समझ आया है तो सीरीज के प्लॉट की भी बात कर लेते हैं, तो काफी सिंपल सा है। मैरियान एक विश थी जिसने बेलर डीमन से शादी की, पर इवेंचुअली उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया और एमा के घर के सामने दफनाया गया। हालांकि उसको जलाया जाना था, पर वहां पर प्रीस्ट इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उसने उसको नहीं जलाया। अब एमा जब छोटी थी तो कुछ एन्चेंटिंग्स मैरियान ने एमा को सुनाई और टीनेज में आते आते उसके साथ दोस्तों ने वीजी बोर्ड के जरिए इस ईविल स्पिरिट को बुलाया जिसने खुद को एमा से अटैच कर लिया। अब एमा के साथ के लोगों की मौतें होनी शुरू हो गई, जैसे कि और की बहन ल्यूसी की। जब एमा को ये पता चला तो फादर जेवियर ने उसको यहाँ से बाहर जाने के लिए बोल दिया और एमा ने ऐसा ही किया। लेकिन यह हॉन्टिंग फिर भी नहीं रुकी और एमा के जरिए यह सारी किताबें मैरियान ने ताकतवर होने के लिए लिखवाई थी। मैरियान का प्लान शुरुआत से यही था कि वो एमा के अंदर इस दुनिया में फिर से जन्म ले, लेकिन दोस्ती से और इंस्पेक्टर रोनन की मदद से मैरियान को काफी हद तक खत्म कर दिया गया। अब यहाँ पर मैं एक और बात पर स्ट्रेस देना चाहूंगा कि इस सीरीज में हमको ब्लैक क्रो बार बार दिखाया गया है और हम ये जानते हैं कि विचेस अपनी जान किसी और ऑब्जेक्ट या फिर लिविंग बीइंग में भी रख सकती है, तो हो सकता है कि इस ब्लैक क्रो से भी कुछ ना कुछ लिंक जरूर होगा। कैरोल की माँ के घर में भी हम इस ब्लैक क्रो को देख पाए थे। खैर, अब यहाँ पर आप सभी का क्या ख्याल है कि यह विच मारी गई है या फिर नहीं, मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। अब यहाँ पर सीजन 2 की हाई पॉसिबिलिटी बनती है और आप सभी का क्या ख्याल है अबाउट दिस सीरीज। इस फ्रेंच सीरीज को मैं 7.5 स्टार देना चाहूंगा आउट ऑफ 10। मुझे यह सीरीज पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी है। यहाँ पर विचक्राफ्ट और सेलेम विच ट्रायल्स का भी हिंट दिया गया है। सीरीज के अंदर कई सारे बुक्स के चैप्टर्स को दिखाया गया है और यह चैप्टर्स ही इस सीरीज को डिफाइन करते हुए 8 एपिसोड तक जाते हैं, तो आप इसको एंजॉय तो जरूर करेंगे। तो मेरी तरफ से एक बिग थम्स अप है कि आप इस सीरीज को आसानी से जाकर देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन एक वार्निंग है कि अगर आप इस सीरीज को लेट नाइट अंधेरे में ईयरफोन्स के साथ देखने वाले हैं तो थोड़ा सा संभल कर देखिएगा, क्योंकि कुछ मोमेंट्स स्केरी हैं। हालांकि मोस्टली जंप स्केयर्स एक्सपेक्टेड थे क्योंकि इतनी सारी हॉरर मूवीज देख ली हैं, तो अब एक अंदाजा सा हो गया है, पर नॉर्मल व्यूअर्स के लिए हाईली रिकमेंडेड सीरीज है मेरी तरफ से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर कर देना। इस वीडियो को हर जगह फैला दो ताकि मैरियान सीरीज की बेसिक चीजें आप सभी को एक ही वीडियो में समझ आ जाएंगी।
जाएंगी। अब हो सकता है कि कुछ फिलर सीन्स होंगे जो कि मैंने स्किप कर दिए हैं, तो वो बस इसलिए ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग ना हो, और वो सब इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं था। और कुछ एक्स्ट्रा कैश कमाने के लिए आप मीशो एप्लीकेशन को नीचे दिए गए लिंक से जरूर डाउनलोड करें, ताकि आप भी कुछ एक्स्ट्रा कैश कमा पाएं, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करें। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।